आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सिट 24x7 न्यूज हैदराबाद। आइए दाते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। आदाब नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है एसए 24x7 न्यूज़ में। मोहम्मद इकबाल नामी शख्स का बहीमाना कत्ल, जो पेशे से एक रिपोर्टर थे, इनका कत्ल गुज़िश्ता 10 दिन पहले ही हुआ था। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में बीवी ने अपने आशिक से करवाया अपने ही शोहर का कत्ल। गोलकुंडा के रहने वाले मोहम्मद इकबाल की शादी मेहराज बेगम से 15 साल कबल हुई थी। इनको 5 साल एक बच्चा भी है। मेहराज बेगम की मुलाकात एक लतीफ़ नामी शख्स से हुई थी और दोनों के दरमियान मोहब्बत हो गई। इसकी इत्तला इकबाल को मिलने पर इकबाल ने अपनी बीवी मेहराज बेगम को समझाने लगे, मगर मेहराज बेगम नहीं समझे। फिर मेहराज बेगम ने अपने आशिक लतीफ़ को लेकर इकबाल को रास्ते से हटाने का एक मंसूबा बनाया। एक दिन इकबाल अपने घर से बाहर निकले, मेहराज बेगम ने अपने आशिक को फ़ोन करके बताया। लतीफ़ ने अपने दो दोस्तों उस्मान सुफियान को लेकर इकबाल के घर के पास गए और इकबाल को इंडिका कार में अगवा करके लक्ष्मी गुड़ा लेकर गए। वहां जाकर इकबाल को चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया और इकबाल की नाश को सन सिटी के एक तालाब में फेंक कर फरार हो गए। तफसीलात सुनिए शमशाबाद DCP जगदीश्वर रेड्डी की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक अननोन डेड बॉडी, उसको कत्ल करके अपना ईसा रिवर हैदरगुड़ा के उसमें रस्सियों से बांध के एक फ्री फैब्रिकेटेड एक प्लेट उसको बांध के वो पानी में डाले हुए, उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको स्टैब इंजरीज भी है। हम लोग मर्डर केस रजिस्टर करें उसके ऊपर पुलिस का कंप्लेंट पे सुयोमोटो बेसिस में 302 केस रजिस्टर करके उसका इन्वेस्टिगेशन चालू करें। सो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हम जो CCTV वेरीफाई करें वो नज़दीक उसमें 10-11 सुबह के टाइम पे 4:10-20 की तकरीबन टाइम पे एक इंडिका कार और एक्टिवा बाइक वहाँ पर आए हुए साहब हमारा चेक हुआ, उसका फुटेज वेरीफाई करते हुए हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन के हिसाब से गोलकुंडा एरिया में रहने वाले है बोल के थोड़ा मालूम हो गया। हम पूछताछ की बावजूद ये एक औरत मेहराज बेगम बोल के उसको पूछे तो उसका हस्बैंड 10-11 सुबह के टाइम पे सिद्धिपेट जाकर बोल के चले गए, अब तक रिटर्न नहीं आया बोल के बोले। अगर कहीं वो 14 तारीख के दिन हम लोग केस करे थे, जब तक उन्होंने कहीं कंप्लेंट नहीं करे, कहीं तो भी आजू बाजू वालों से पूछताछ नहीं करे, अगर उसका रिलेटिव्स कोई फ्रेंड्स को भी इतिला नहीं दी, उसे अपने को थोड़ा बॉडी आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत हो गया, वो पहचानने में इनकार करे पहला, ये हमारा नहीं होता, कपड़े ये होता वो होता बोल के ऐसा बोलने के बावजूद भी। सो जो एविडेंस के हिसाब से ये डिसीज्ड और जो भी एक्यूज्ड है, ऑल एक्यूज्ड का टावर लोकेशन के हिसाब से वो लोग पूरा जो सीन ऑफ क्राइम वहाँ से गोलकुंडा घर से निकलने के बाद उसको 4 को बाहर आने के बाद उसको गाड़ी में अंदर ले लिया इंडिका में, ये लोग उसको स्टैप करे, जो रस्सी और जो प्लेट ये प्री फैब्रिकेटेड जो प्लेट लिए हुए पहले खरीद करके रखे। लतीफ़ का घर एक्यूज जो है लतीफ़ का घर बाजू में है, इसका वजह मोटिव क्या है बोले तो इलीगल इंटीमेसी है उसके साथ। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.